स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और मैं हूं अभी उत्तराखंड में और यहां पर 3 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है। काम काज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यहां पर, जितने भी आउटडोर काम थे वो हो नहीं पा रहे बारिश की वजह से। सो अभी मैं 3 दिनों से क्विड चला रहा हूं, क्विड जो कि 800 सीसी वाली है और ये लगभग 23,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसको हो चुके हैं 2.5 साल से ऊपर। तो मुझे काफ़ी चीज़ें इस गाड़ी की इम्प्रेसिव लगी। 1000 सीसी वाली भी मैंने चलाई है, थोड़ा सा डिफरेंस है पावर में और सारा कुछ गाड़ी पे यही है। और अभी अपडेट भी आया हुआ है क्विड का, लेकिन ये एक नई गाड़ी का रिव्यू नहीं है। इस रिव्यू में आपको क्या क्या प्लस पॉइंट है अगर आप छोटी कार कंसिडर कर रहे हैं और क्विड को किन परिस्थितियों में आपने कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कीमत की। कीमत काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, 800 सीसी हो या फिर 1000 सीसी। 1000 सीसी और 800 सीसी में सिर्फ 30,000 के आसपास का अंतर है। और अगर मैं बात करूं मारुति ऑल्टो 800 के कंपैरिजन में, ये 60-70 हज़ार रुपये महंगी है। मैं टॉप वेरियंट का यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा हूँ और उसके बदले में आपको मिलते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स जो कि एक बजट कार में होना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी में। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस गाड़ी का स्पेस, 6 फीट 4 इंच का होने के बावजूद भी बहुत आराम से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। काफी कंफर्ट के साथ बैठा हुआ हूँ मैं इस गाड़ी में और ना ही मेरे पैरों में कोई दिक्कत है, ना ही मेरे थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत है, ना ही मेरे जो है पीछे के बैक रेस्ट में दिक्कत है, ना मेरी खोपड़ी टकरा रही है ऊपर रूफ से। और दूसरा, स्टीयरिंग मुझे इस गाड़ी का काफी अच्छा लगा जो कि काफी लाइट है और इसकी ग्रिप मुझे काफी अच्छी लगी। दूसरी चीज, आप कभी नोटिस करना, अगर आप ऑल्टो 800 चलाते हैं तो आप क्विड चलाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अगर मैं एक मोटा मोटा अगर आपको आइडिया दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फोर्ड फ्री स्टाइल के अंदर बैठा हूँ। लगभग सिमिलर स्पेस है आगे की सीटों में इस गाड़ी में। और दूसरी सबसे यूनिक चीज है इस गाड़ी में, इस सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश गाड़ी इसको आप कह सकते हैं। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, SUV इंस्पायर्ड डिजाइन है। क्विड में अच्छा खासा स्पेस होने की वजह से काफी लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली आराम से इस गाड़ी में फिट हो जाती है, बैठ जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पर सीटिंग स्पेस की बात नहीं कर रहा, इसके डोर में भी काफी अच्छा खासा स्पेस है और इधर मिडिल में भी काफी अच्छा खासा स्पेस है। 2 ग्लव बॉक्स दिए गए हैं जिसमें आपको ढक्कन मिलता है और एक बिना ढक्कन का ग्लव बॉक्स भी आपको मिलता है। डोर में आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं। तो स्पेस के अलावा इस गाड़ी में, इस सेगमेंट में सबसे अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो इस सेगमेंट की यही एक ऐसी कार है जिसमें आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिल जाते हैं, जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन और इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी। और साथ में इसमें आपको मिलता है टच स्क्रीन डिस्प्ले, वो भी नेविगेशन के साथ। और जो अब अपग्रेड आया है उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। तो इस सेगमेंट में क्विड और रेडी गो के अलावा किसी में भी इतना अच्छा स्पेस नहीं है। तो अब चला के देखते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, देखते हैं। ये 800 सीसी का इंजन है, स्टार्ट करने के बाद काफी नॉइज करती है, काफी वाइब्रेट करती है गाड़ी।
अब आप देख सकते हैं पूरा स्टीयरिंग डैशबोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, और कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद जो है वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जा रही है, लेकिन स्टीयरिंग में आप फील कर सकते हो, बॉडी में आप फील कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि गियर लीवर में कोई वाइब्रेशन नहीं है। टाटा वालों थोड़ा सा सीखो इन लोगों से, सीरियसली। तो अब चला के देखते हैं, इसका जो गियर लीवर है उसमें जो रिवर्स गियर है वो i20 की तरह है, बिल्कुल लेफ्ट में, जिसके लिए आपको अपने फिंगर से इस लीवर को पुल करना पड़ता है। तो अभी हम चलाते हैं आगे की तरफ। 800 सीसी का इंजन काफ़ी नॉइजी है, 1000 सीसी वाला जो इंजन है उसमें थोड़ी सी नॉइज कम है, और जैसे ही आप एक्सलेट करते जाते हैं तो इसकी नॉइज बढ़ते जाती है। लिटरली आप देख सकते हैं कि केबिन में इतना अच्छा खासा स्पेस है, आपको लगता नहीं है कि आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी एसी ऑफ था तो इसको मैं ऑन कर देता हूं। तो एसी ऑन करने के बाद थोड़ी सी जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस लो हुई, ऑब्वियसली सभी गाड़ी की होती है, ये तो 800 सीसी की गाड़ी है, और एक्सेलेरेशन में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अगर ये 1000 सीसी की क्विड होती तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता इस पर। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस समय 800 सीसी को कंसिडर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ 30,000 रुपये का अंतर है। जब आप 4 लाख 4.5 लाख रुपये लगा रहे हैं तो, और आप 30,000 रुपये को उतनी ज़्यादा अहमियत ना दें, और 800 सीसी लेनी ही है तो आप तब ले सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ी चलानी है, जो कि आपको अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी भी देगी। तो अब देखते हैं इसका इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी वाला जो फंक्शन है उसको लगा के देखते हैं। तो ये रहा इसका, तो मैं तीसरे गियर में 30-32 की स्पीड में चल रहा हूँ, अभी 33 दिखा रहा है, और मैंने बिल्कुल लाइट फुट कर रखा है अपने एक्सेलेटर में, तो यहाँ पर ये बता रहा है 29 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो माइलेज 800 सीसी वाली गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं पूरा एक्सेलेटर रिलीज कर देता हूँ तो इसका मैक्सिमम शो कर रहा है 29.9 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 30 किलोमीटर पर लीटर। तो देती भले ही इससे ऊपर है लेकिन इससे ऊपर शो नहीं करेगा। आपकी जो मारुति की कार्स हैं, बलेनो हो गई, बलेनो का बेस वेरिएंट में आपको डिजिटल मिलता है, तो वो आपको बताता है 40-45-50 इतने तक का, और टिगोर भी 30 से ऊपर नहीं बताती है। तो यहाँ पर जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज दे सकती है, इसलिए मैंने कहा 800 सीसी आप तभी कंसिडर करिए जब आपने गाड़ी अकेले चलानी हो। तो रही बात एसी की, एसी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी जल्दी ठंडा कर देता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ मैं, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और अभी मैं ख़राब सड़क में लेके जाता हूँ, गड्ढे का भी महसूस हो रहे हैं तेज स्पीड पे। स्लो स्पीड में राइड कंफर्ट इस गाड़ी का अच्छा खासा है, ओके भी कह सकते हैं आप इसको अपनी लैंग्वेज में। लेकिन 23,000 चलने के बाद खड्डों में, बॉडी में वाइब्रेशन आपको जरूर महसूस होगी, जैसा कि इस गाड़ी में है। इस गाड़ी की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो काफ़ी प्यार से रखी गई है, काफ़ी केयर से रखी गई है ये गाड़ी, और 2.5 साल में सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है, और इतना अब्यूज नहीं करा इस गाड़ी को, और फिर भी इसके जो केबिन है उसमें आपको काफ़ी वाइब्रेशन आपको सुनाई देगी, डोर बजते हुए दिखाई देंगे, और चारों तरफ से आवाज़ है, कहने का मतलब है। रोड आप देख सकते हैं, सिर्फ रोड टूटी फूटी है, ज़्यादा बड़े गड्ढे नहीं हैं, और जैसे ही मैं अगर स्पीड तेज करूं, आप महसूस करना, आप सुनना, तो इस बजट की गाड़ी में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। राइड क्वालिटी तो मान लो अगर ठीक भी है तो वो झटके अगर उतने महसूस नहीं होते, लेकिन झटकों की जो आवाज़ है वो काफ़ी भयानक आती है, जिससे कि आपको महसूस होता है कि वो झटका भी आपको लग रहा है।
और एक चीज बिल्कुल भी अच्छी लगी, इतनी जल्दी इसमें केबिन नॉइज का आ जाना। तो बात कर ली जाए अभी परफॉर्मेंस की, एसी के साथ इस गाड़ी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, एसी कर देते हैं बंद। और परफॉर्मेंस ओके ओके, 800 सीसी के इंजन से आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ ऑल्टो 800 की, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इससे अच्छा है ऑल्टो 800 का, क्योंकि वो मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है जो कि हमेशा पैपी रहते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो आप काम चलाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार चाहिए और आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की भी यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लगने वाली चीज़ों में से इसकी एक है, जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। कसम से इतनी हल्की बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। इवन आप ऑल्टो 800 की बात करेंगे, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी इससे काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस डोर को खोलता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैंने किसी टिन कैनिस्टर से उसका ढक्कन हटा दिया है, और बिल्कुल डोर बंद करते ही डोर तो हिला ही हिला, और गाड़ी पूरी गाड़ी की बॉडी यहाँ पर हिल जाती है डोर को बंद करने के साथ ही। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी हल्की लगी इस गाड़ी की, जो कि वाकई में है ही। और सेफ्टी की अगर बात करें तो इसके ऑप्शन वेरिएंट में आपको एक ड्राइवर साइड एयरबैग मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी का मैं अंदाज़ा आपको दे देता हूं, अगर आप समझते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन में आप किस गाड़ी से, चलो मैं वैगनार से कंपैरिजन करता हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी में। वैगनार की बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी से काफ़ी अच्छी है, रियली। माना कि उसके प्राइस ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास पहुंच जाती है। इसका टॉप वेरिएंट लगभग 4.5 क्रॉस कर देता है, और जो क्लाइंबर वगैरह है वो तो क्लोज टू 5 लाख पहुंच जाती है। नॉइस आप सुन पा रहे होंगे, जैसे ही एक्सलेट कर रहा हूँ तो नॉइस का लेवल भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और नॉइस काफ़ी अनोइंग है रियली। तो अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के, इसके गियर शिफ्टिंग मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ी सी स्लगिश है। अगर आप तेज स्पीड में अच्छी तरह से गाड़ी को एक्सलेट करना चाहते हैं तो आपको फटाफट गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फटाफट को ये सपोर्ट नहीं करता। हो सकता है इसी गाड़ी में हो, एज के साथ ऐसा होता हो इस गाड़ी में करेंगे। अगर आप जल्दीबाजी में करते हैं इस टाइप से तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो गियर थोड़े से स्लगिश लगे मुझे, खासकर कि पहला और दूसरा गियर। बाकी कोई इशू नहीं है, अगर आप गियर को नॉर्मली और प्रॉपरली और प्यार से शिफ्ट करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं शिफ्ट। तो फीचर्स तो इसमें काफ़ी मिलते हैं, लेकिन एक टैकोमीटर भी होता तो मज़ा आ जाता। टैकोमीटर इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि 2.5 साल में इसकी जो सर्विस हुई है, ये 23,000 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि इसकी 3 सर्विस हो चुकी है, वो भी लेबर फ्री वाली सर्विस। तो जो पहली सर्विस थी वो 1,000 किलोमीटर के आसपास में हुई थी, उसमें खर्चा आया था 400 रुपये के आसपास, जिसमें अलाइनमेंट का खर्चा था। दूसरी सर्विस में जो खर्चा आया था वो 2100 रुपये के आसपास था, क्योंकि उसमें ऑयल चेंज हुआ था। वो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे। और जो तीसरी सर्विस है वो 17,000 किलोमीटर पे हुई थी, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके थे उस गाड़ी को, और उसमें जो खर्चा है उसको आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि बिना लेबर चार्ज यानी कि लेबर फ्री सर्विस में भी 6100 रुपये का खर्चा आया। उसमें मेजर चीज़ हुआ गया था, जो एक्सलेटर पैडल सेंसर था वो ख़राब हो गया था, वो 1200 के आसपास का वो था, और जो फ्रंट ब्रेक पैड हैं वो ख़राब हो गए थे, वो लगभग 2000 के आसपास पड़े थे। तो एक्सलेटर पैडल सेंसर जैसी वारंटी ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद ख़राब हो गया, जो कस्टमर के सर पे पड़ गया, यानी कि उसको अपने पैसों से लगाना पड़ा। तो ये है उसकी क्वालिटी। और दूसरी जो छोटी मोटी चीज़ है, छोटी मोटी 200-300 रुपये की चीज़ें जोड़ जोड़ के बिल्कुल इतना बढ़ा दिया गया, जैसे कि ग्रीसिंग,
उसमें लिखा हुआ है बिल में कंप्यूटर से इंजेक्टर चेक करना है, इस टाइप की है वो। एक्चुअल में टेक्निकली लिखा क्या हुआ है मैं भूल चुका हूँ। तो इस टाइप से छोटी मोटी चीज़ें सर्विस सेंटर वाले ज़बरदस्ती बढ़ा देते हैं जब कस्टमर को पता नहीं होता, या उन्हें लगता है कि कस्टमर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो कुछ भी लिख दो और बता दो कि ये काफ़ी ज़रूरी है, तो वो एग्री कर जाता है छोटे मोटे रुपये देने में, 100-200 से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो बात करते हैं क्विट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं आपका बजट कम है, आप लोअर वेरिएंट ले रहे हैं या बीच का वेरिएंट ले रहे हैं, 800 cc वाली ले रहे हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्विट का 1000 cc वाला टॉप वेरिएंट यानी कि RXT ऑप्शन या फिर क्लाइंबर के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ उससे अच्छा आप सेलेरियो LXi ऑप्शन ले लें, क्योंकि सेम रेट में आपको ABS प्लस एयरबैग मिल जाएंगे, वो भी 2 एयरबैग। और सेलेरियो की बिल्ड क्वालिटी क्विड से काफ़ी अच्छी है और क्विड से काफ़ी अच्छी गाड़ी है चलाने में। तो दोस्तों ये थी क्विड 800 की लॉन्ग टर्म रिपोर्ट, उसके सर्विस कॉस्ट और सारा कुछ उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये गाड़ी कैसी है और इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप अपने सजेशन और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पहले सब्सक्राइब कीजिए और भारत माता की जय।